तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जो संजय सिंह हमें बोलता है कि मैं ग्री साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ, तेरे को अरेस्ट किया जाएगा, तेरा बहुत ही गंदा वीडियो यूट्यूब के अंदर अपलोड हो चुका है, तुझे जल्द से जल्द वीडियो डिलीट करने का मुझे ईमेल भेजना होगा। अगर तूने वीडियो डिलीट नहीं करवाया यूट्यूब से बात करके तो तेरे घर पे 24 घंटे के अंदर तेरे को अरेस्ट किया जाएगा। तो उसी संजय सिंह का मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ ताकि आप लोग भी समझ जाए कि ये लोग किस तरह से आपसे पैसा लूटते हैं, किस तरह से वो फेक साइबर क्राइम वाला बन के बात करता है, किस तरह से हमें डराते हैं, धमकी देते हैं और हमें बोलते हैं कि तुझे 2 साल की सजा होगी। तो ये सब ऑडियो क्लिप के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि न्यू वीडियो कॉलिंग स्कैम से बाहर कैसे आना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल और आप देख रहे राहुल फैमिली यूट्यूब चैनल। तो ये शुरू करेंगे जी, भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही डैकमिंग से कैसे बचते, ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस चैनल के अंदर मिलती जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हेलो बेटा, मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास कोई मेल मैसेज नहीं आया है। अगर आप नहीं कराते हो तो यहाँ से FIR लॉज करा के वारंट इशू करा देता हूँ और आपका नंबर भी सर्वेलेंस पे डाल देता हूँ। फिर आप बच नहीं सकते। आपका जो केस मेरे पास है इसको मैं सोशल इंसाइडी में आगे सौंप देता हूँ। मैं आपके भले के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगा, समझ गए? एक बार मुझसे बात करो और अपना वीडियो डिलीट करा के मुझे मेल कराओ वहाँ से, ओके? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा ऑडियो क्लिप सुना ही होगा। तो भाई लोग याद रखना, इसके अंदर जो भी पुलिस वाला बनके कॉल करता है, जो भी संजय सिंह हमें कॉल करता है, वो सचमुच का संजय सिंह नहीं रहता। वो एक फर्जी संजय सिंह नाम का आईडी बना लेता है। जो भी ट्रू कॉलर का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसके अंदर संजय सिंह नाम ऐड करता है, पुलिस वाले का एक लोगो लगाता है, दिल्ली साइबर क्राइम का एड्रेस लगाता है वहां पर। ट्रू कॉलर एक फेक एप्लीकेशन है, उसके अंदर वो लोग एडिटिंग करके प्रोफाइल अपडेट करके संजय सिंह का नाम लगा देते हैं और पुलिस वाले का वर्दी का फोटो लगा देते हैं। और जो भी हमारे भाई लोग अनपढ़ है उनको पता नहीं रहता और उनको लगता है कि ये सचमुच का संजय सिंह है, सचमुच का ये IPS ऑफिसर है, तो हम उनको पैसा दे बैठते, हम लोग डर जाते ताकि पुलिस हमारे घर पे ना आए। तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं, जितना भी कॉल आएगा न्यू वीडियो कॉलिंग स्कैम के अंदर, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के अंदर, सब फेक है। रिया शर्मा, प्रिया शर्मा कोई नहीं रहती इसके अंदर। जो भी लड़की रहती है वो रियल में लड़की नहीं रहती। 2 मोबाइल के अंदर वीडियो चलाते, एक मोबाइल के अंदर लड़की का वीडियो दिखाते हैं और दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं, फिर पैसा मांगते हैं। जितना पैसा दोगे तब तक पैसा मांगते रहते हैं। जिस दिन बोलोगे जो करना कर दे वाले, ऐसा बोलने के बाद वो लोग आपका वीडियो डिलीट मार देते हैं। तो याद रखो, आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है उन लोगों को। पैसा दिया तो फंस से चले जाओगे, जितना पैसा दोगे उतना उन लोगों के लिए कम रहेगा और उनको पैसों की लालच और बढ़ती रहेगी। तो इसलिए अगर आपने पैसा दिया होगा तो आपको अभी पैसा देना बंद करना है और उनको बोलना है जो भी करना है कर दे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जा रहा हूँ साइबर क्राइम के अंदर, मैं जा रहा हूँ पॉलिटिशियन के अंदर तुम लोगों की FIR लिखवाने के लिए। सिर्फ इतना बोल दो, आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, आपका वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। तो डरना नहीं भाई लोग, इसे हम लोगों को लड़ना है। क्या करना है? सिर्फ लड़ना है। जितना डरोगे उतना डरेगा, जितना मतलब कि गिड़गिड़ा के बात करोगे, रोओगे आप, तब तक वो आपके ऊपर हैवी होते जाएगा। उसको सीधा माँ बहन का गाली दो। क्या बोलो? माँ बहन का गाली दो। बोलो जो करना है कर, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तुझे मेरा वीडियो भेजना है, वीडियो वायरल कनेक्ट कर दे, यूट्यूब के अंदर वीडियो वायरल कर दे, फेसबुक के अंदर वीडियो वायरल कर दे, मैसेंजर के अंदर, सब जगह पे मेरे वीडियो वायरल कर दे, ऐसा बोलो। ऐसा बोलने के बाद वो आपका वीडियो डालेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता कि इसका वीडियो डालकर ये पैसा देने वाला तो नहीं है। वो सब लोग सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। अगर आप लोग डर गए तो और डरेगा। आप याद रखो, आपका वीडियो YouTube Facebook कहीं पर अपलोड होता भी नहीं, सिर्फ मैसेंजर के अंदर जा सकता है, लेकिन ये लोग मैसेंजर के अंदर भी नहीं भेजते। मैसेंजर के अंदर जाने के बाद वो भी स्पैम फोल्डर में जाता है और स्पैम फोल्डर से वो जैसे जल्द ब्लॉक हो जाता है। उसका टेंशन मत लो आप भाई लोग, लेकिन इन 2 कड़े लोगों को पैसा बिल्कुल मत देना। पैसा दोगे तो फंसते चले जाओगे। लास्ट दिन बाबा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।